हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में। अब ये प्लास्टिड क्या होते हैं? आपको पता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब पौधों की सभी कोशिकाओं में प्लास्टिड होता है, यानी कि रंग, प्लास्टिड का मतलब रंग। पौधों की कोशिकाएं आपने देखा होगा, पत्तियां देखा होगा हरे रंग की होती हैं, उनका फल देखा होगा हरे से पककर पीला हो जाता है, मिर्ची का लाल हो जाता है, टमाटर का लाल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक पर डिपेंड करती हैं। तो प्लास्टिक तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये कोशिका है पौधे की और इसमें ये केंद्रक बनाया गया है। केंद्रक के बाहर छोटा छोटा ऐसे ऐसे मैंने राउंड राउंड से बनाया है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड ही कलर देता है कि कोशिका का, और सारे कोशिकाओं के अंदर वो कलर है तो एक जैसा दिखेगा। जैसे कि हरित लवक, ये मतलब लवक तीन प्रकार के होते हैं, पहला हरित लवक, दूसरा कुर्मोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। जो हरित लवक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हरित लवक जो है हरे रंग का होता है। इस हरित लवक के अंदर, मान चलो ये हरित लवक है, इस हरित लवक के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, पढ़हरी पाए जाते हैं जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये हरा होता है। तो ये हरित लवक वाले, ठीक है, ये प्लास्टिड पाए जाते हैं आपके पौधों की पत्तियों में, पौधों के जो लूज तने होते हैं, लत्ती वाले जो पौधे के तने होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है आपका, ठीक है, ये रंग बिरंगा होता है। क्या होता है? रंग बिरंगा होता है, ठीक है राजस्क। क्या होता है बच्चों? ये रंग बिरंगा होता है। जैसे आपने देखा होगा फूल, देखा है ना फूल, फूल रंग बिरंगा होता है ना, तो उसके अंदर का जो प्लास्टिड है वो क्रोमोप्लास्ट है। मिर्चा देखा होगा हरे से लाल हो जाता है, ठीक है, टमाटर हरे से लाल हो जाता है। तो लाइकोपीन नाम का, ठीक है, लाइकोपीन नाम के, ठीक है, केमिकल के कारण मिर्चा जो है हरे से लाल होता है, लेकिन प्लास्टिड जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है, जो कि रंग बिरंगा होता है। फूलों का जो कलर, ठीक है, मिर्चा का जो हरे से लाल होना, या आपने देखा होगा, ठीक है, जो आम है वो कच्चा है तो हरा है, पक जाएगा तो पीला हो जाएगा। बनाना भी हरा है, पक जाएगा तो पीला हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपका क्रोमोप्लास्ट। तीसरा आपका है ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके तीन टाइप होते हैं। पहला है इसमें एमाइलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है ये कलर नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक। एमाइलोप्लास्ट इसका पहला एग्जांपल है, जैसे कि गेहूं, सॉरी आलू का कंद देखा होगा, आलू का कंद यानी कि स्टार्च, जिसमें स्टार्च पाया जाता हो उसका कोई कलर नहीं है। आलू देखा है, आलू जो खाते हो आप बल्ब, उसमें कोई कलर है? कोई कलर नहीं है। गेहूं को खोलोगे तो कोई कलर है? वाइट है। चावल भी वाइट है। तो ये है एमाइलोप्लास्ट। जो तीसरा है आपका, सॉरी इसमें दूसरा है, तीसरे का जो दूसरा है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट होता है जो बीज होता है, बीज का जो भ्रूण होता है, भ्रूण पोष, उसके अंदर, ठीक है, वसा पाया जाता है। तो ये जो वसा है ये एलियोप्लास्ट होता है। उसके बाद एलियूरोप्लास्ट। एलियूरोप्लास्ट जो है, जैसे कि भ्रूण के अंदर जो प्रोटीन होता है ये जो कलर दे रहा है, ठीक है, ये है एलियूरोप्लास्ट, ठीक। तो इस तरह जो प्लास्टिड है आपका मेन तीन प्रकार के होते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।